और चम्मच नहीं दिया इसको। बस भैया वो छोटा छोटा समोसा ना बहुत अच्छा लगता है खाने में। स्कूल में हम लोग खाते थे। चैनल और आज मैं इतनी खुशी खुशी में ब्लॉग पकड़ी हूँ बिकॉज माई बेस्टी इज कमिंग, वन ऑफ माई बेस्टी इज कमिंग डाउन टू माई सिटी और बहुत सालों के बाद। वैसे तो हम कोलकाता में साथ रहे हैं बहुत साल, बट उसके बाद मैं 21 को यहाँ आ गई थी और उसके बाद वो अपने रायपुर चली गई थी, तो वो आज आ रही है और फाइनली मैं आप लोगों से मिला सकती हूँ। इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं सोची थी ब्लॉग शुरू करूँगी ना वो आ जाए उसके बाद, बट जैसे फ़ोन करके बोली ना आ गई, मैं उतर गई स्टेशन, मैं अभी आ रही हूँ करके। ओ गॉड, मुझे इतनी खुशी हो। मैंने उस सुबह उसके लिए उसको पूरी और आलू की सब्जी, नॉर्मल बंगाली वाली एक आलू की सब्जी होती है, एकदम सादा आलू होता है ना आपको कैसे पता होगा, हाँ बंगाली जो देखते हैं उनको पता होगा सादा आलू तरकारी है ना, वो और आलू जी बनाई उसका फेवरेट है, तो उसने भी बोला था कि मैं आऊँगी तो वही खाऊंगी। और पता है जया को पता ही नहीं है कि सुमी आ रही है। सुमी, मी एंड जया लाइक बहुत चट्टी पट्टी फ्रेंड्स हैं हम लोग, बहुत मतलब आई डोंट नो कितना ईयर्स, आई मीन आई लॉस्ट ट्रैक ऑल्सो, कितने सालों से हम लोग दोस्त हैं, हम लोग नर्सरी से दोस्त हैं, मतलब उसको तो एकदम नहीं मालूम, मतलब उसके लिए एकदम सरप्राइज है। यहाँ देख 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 यहाँ से देख, रुक बाद में लाऊंगी, दे 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 ये वाला, दे ये तो वो वाला, दे ये छोटा वाला, चल 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 चल। भैया देखिए भैया है, फाइनली मैं इसको लेके आ सकी। तो इतना टाइम तक अपने बस जो है बहुत सारे बातें किया, उसके बाद हम लोगों ने टिफिन करा जो मैंने इसके लिए बनाया था, पूरी और आलू की सब्जी, इसका शॉट डालूंगी वो देख लेना, उसके बाद हम लंच भी कर लिया, मैं जाना था वो भी मिस हो गया, बात पेट तो भर गया अब, ऐसा लग रहा है बस सो जाए। यस, और अभी हम लोग निकलेंगे स्प्लेंडर मॉल जाएंगे। यहाँ पर जय को हम लोगों ने बताया नहीं कि आई हुई है, जैसे मैंने कहा जय को फोन कर दिया कि मालिनी भी आई हुई है, और मालिनी का और ऐसा सुमी का प्लान था कि इन लोग काफी सालों के मतलब काफी सालों के बाद से, हां बीच में सेंटर में दिख नहीं रही, हाँ तो काफी सालों के बाद मालिनी और सुमी मिल रही है, हम लोग तो कोल में साथ में ही थे, तो जाए तो देख के शॉक हो जाएगी कि सुमी आई है। तो वो एक साइड मेरा प्लान ये भी था कि प्रिया को मैं सरप्राइज करूं, बट फिर मुझे बताना पड़ गया क्योंकि मेरे को जो काम था वो उसके बिना नहीं हो पाता, नहीं होता, और मेरा काम भी फिर शेड्यूल करना होता, तो फिर अगर वो सडन आ जाती तो सब चीजें फिर रुक जाता, तो इसलिए उसको बोलना पड़ा मुझे, वरना वो सरप्राइज देने के प्लान में ही थी। निकले अभी उनके बहुत धूप है, बहुत सब काला काला पहन लिए आ थी हमारी। तो आगे हम इनको जया आ जाए तो उसका रिएक्शन में रिकॉर्ड कर दूँ, अभी तक तो पहुँची नहीं, हम ही पहले पहुँचे, ये मालूम भी नहीं आया। एज यूजुअल मिनीसो जो है एक रिचुअल है, आते ही घुसना चाहिए। जया आ गई है, हमारा वेट कर रही है सिनेमॉन के पास में। कैसा लगा कैसा सब भारत मिलाप हो गया। हाँ ये आई तभी तो मैं बोली तेरे को, और तुझे देखी तुझे कौन लगा, फिर मास्क उतारने तक पहचानने में देर हुआ, तू आई जब मैंने बोला कंफ्यूज हो गई, व्हाट घटिया लिपस्टिक यू आर वेयरिंग। हां तो जैसे तो मिलना हो गया, अब हम वेट करेंगे मालिनी के लिए, मालिनी आ रही है। वही काम है जया, जिस वाले काम है, क्या दाल चावल सबसे कोलकाता में जा जाओ, भारत मिलाप करा लो। ये फेक ड्रामा मत कर, मैं यहाँ सब बोल चुकी हूँ। गो, तो तेरा नाम बुला रहे, जैस लिखवाइए ना, तुझे जानती नहीं बाहर की तरह, अच्छा वो ले आ रही है तुझे, परम कोड़ी है तेरे को पता है, ऊपर में फूड कोर्ट में भी जाएगी ना, कभी नहीं जाएगी ऑर्डर देने के लिए।
इस बार मैं लड़ ली। मुझे पता ही नहीं उन्होंने क्या बोला, मुझे लगा ये महंगा होगा ज्यादा, ये 10 रुपए के डिफरेंस में था यार। तू लेगी? मेरी मिर्ची को से तू ऐसे कर रही है? अच्छा लास्ट में किसने बोला हाँ रहने दे? अब रहने दे मतलब वो क्या करता? एक ही क्यों? मैं बनाता उसके लिए, मतलब उनको पता है इसका टेस्ट। ये हमारा पुराना स्कूल की गलियां हमें मिल गई चलने को। कहाँ से था? यहाँ सुमी का घर यहाँ पे था, यहीं पे मंडराते थे। वो सीधा हमें था। सुमी सुमी कोई गाड़ी रख रहा है, जाएगी? पहले काम कर ले। मेरा लाइट आके खड़ा। देख रही इसको हो जा तेरा गला में। हम सब ये वाला लाइट है, ये कमीनी औरत है एक नंबर की। सुमी जा रही है अपना पुराना गली कॉलोनी देखने के लिए। ज्यादा दूर मत जा। हाँ नॉस्टैल्जिक तो लगता है लोगों को थोड़ा। जा रही है बेचारी। दिस इज द नेक्स्ट डे। कल हम और मैं कुछ शूट नहीं की क्योंकि उसके बाद मैं क्या ही दिखाती यार, सारा गवर्नमेंट ऑफिसर्स हम भटक रहे थे। उसके बाद बहुत डिले हो गया, पापा के हॉस्पिटल भी गए, तो इतना सारा काम था कि वो सब दिखाने लायक कुछ था नहीं। उसके बाद हम सीधा मालिक के घर गए एंड वी वर सो हंग्री कि मैं क्या बताऊँ। मतलब 4 o'clock अराउंड आई गेस 4:30 हम लोगों ने फिर लंच करा उसके घर में जाके एंड फिर फैल लिया। उसमें चाय वाय पी के हम सीधा घर आ गए। सुमी को थोड़ा बहुत रस्ते में कुछ खाना था तो हम लोगों ने वो खाया एंड उसका बिल्कुल एनर्जी नहीं था कि मैं कुछ दिखा पाऊँ अच्छे से। तो आज जो है सुमी इज गोइंग बैक, तो अभी जय के साथ वो गई है फिर से, मम्मा का ऑफिस कुछ काम था तो वो करने के लिए, तो माली आ रही। समा गए H&M। अब यहाँ से थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे उसके बाद हम कहीं और जाएंगे खाने के लिए। हाँ अच्छा तो है। वाओ मालूम लूँ क्या? मुझे एक्चुअली क्लीनर में से सोच रही हूँ कॉफर में ये प्रिंटेड टी शर्ट्स, ये ब्लैक एंड वाइट में जो प्रिंटेड रहता है ना मुझे अच्छा लगता है काफ़ी। ये मुझे अच्छा लगा। She finally reached Malini. माली पहले चाय पी ले क्या या लस्सी पी ले आए? सो हो गया हमारा शॉपिंग, अभी यहाँ से हम जाएंगे चाय पीने या लस्सी पीने गरम गरम। सिर्फ सिंगाड़ा और क्या रहेगा? सिर्फ बड़ा नहीं रहेगा तो आपने एक प्लेट में सिर्फ समोसा और घुघनी दीजिए, ठीक है? हाँ पकड़ो ये ले जाए तेरा है ये, और चम्मच नहीं दिए इसको। बड़ा बहुत अच्छा, बहुत सही है। और हम लोग खा रहे हैं कहाँ पे? रूपाली स्क्वायर के ठीक छक के बाजू में, और क्या है यहाँ पे टाइम्स स्क्वायर के बाजू में, किलर्स जेके के बाजू में। कितना सारा बाजू बता दी मैं। सुमित तुझे कितना कैसा लगा इतने दिनों के बाद एक्सपीरियंस शेयर कर? हाँ मतलब 15 साल के बाद खा रही हूँ। नहीं बहुत सही है, वो छोटा समोसा ना बहुत अच्छा लगता है खाने में। स्कूल में हम लोग खाते थे। हाँ ये नहीं खाएगी नहीं खाएगी, बोलो कैसा लग रहा है? एक्सपेक्ट नहीं इतना टेस्ट लग रहा है। तुम
में छेना पोड़ा भी लेके आई है, ये लोकल वाला, ये है मस्त है खाने में, ये यहाँ पे ही बैठे हैं सारे, ये है सुमी का फेवरेट और रिपाली स्क्वायर में हम सब खा रहे हैं। जया ये 3 बार ली है, she has taken it 3 times. इनका जलेबी भी अच्छा है, कुरकुरे सारे। हम यही वाले फुचका अंकल के साथ खाते हैं, खाते साथ नहीं यार, इनके पास खाते। सी अब सारा इंस्टा स्टोरी में जाएगा ये। मालू स्प्राइट देव सब खा लिया, हजम करेंगे। लो पहला बाइट लो और बताओ मुझे कैसा लग रहा है। इनका छेना पूरा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, सो आई नो कि अच्छा होगा। मैं पापा के लिए एक बार ली थी कॉलेज डेज में, स्प्राइट पे। हाँ कैसा है इनका? बहुत अच्छा रहता है, चला भी जाता, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल जैसे पहले होता था। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है फुचका का दुकान। अंकल गट्टे मटर देगी दियो ना, सुनिए 5 रुपए एडिशनल दे दे तू। हाँ हम लोग बहुत सूखा खा रहे हैं, खाली खाली मटर दे। अरे खाएंगे आप लो ना, ये हमें इतना सूखा खिलाते हैं, ये अच्छा बात है, भुवनेश्वर का और कहीं नहीं देता पता है। अंकल जीरा पाउडर टिक्के दे लो, टिक्के टिक्के। थैंक यू। ओहो बारिश का मार, मुझे बहुत दिनों से मन था मैं स्ट्रीट में किसी दिन बिरयानी खाऊं यार, मेरा बहुत मन था स्ट्रीट बिरयानी खाने का। सो हम लोग आ गए शॉपिंग वगैरह सब कुछ करके, नाउ सुमीज रैपिंग अप हो जाएगी, तो उससे पहले उसको बेसन का लड्डू खिला रहे। मुंह मीठा हो रहा है, मुंह मीठा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ही खाई। अच्छा जी, थोड़ा तो दिखाने के लिए खाई। मैं मीठा ज्यादा तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा नहीं कम नहीं। बताओ थोड़ा स्टी ऑफ कर दो सबको, किसको करना है इसको। Bye folks, please follow Priya Das on Insta as well and subscribe to our channel. Channel का पूरा नाम तो लो Priya Das। सोची मैं ही इस वीडियो को क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू लाइक दिस ऑल थिंग्स वट एवर मैंने दिखाया आपको। अगर अच्छा लगा आपको तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करते हुए जाना चैनल। तो सुमिया भी निकल रही है, चलो नमस्ते करते हुए निकलो घर में, चलो नमस्ते नमस्ते, चलो नमस्ते। अच्छे से ध्यान रखो अपना, बोले भात खेते वो भात खा भी ना, यहाँ पे यहाँ का वहाँ नहीं मिलता, दही बड़ा, आलू दम, सिंगड़ा, कुछ नहीं वहाँ। टाइम के लिए थोड़ा है जब अपने माथे में लगा ली शील्ड, जब हम माथे में शील्ड लगा लिए पूरा। मैं चला लूं? हाँ बाबा तू ही चला, जा नहीं कर पाएगी, तू नहीं कर पाएगी। ये बोल नहीं नहीं कर पाएगी, चलाती नहीं, मैं तो चलाती नहीं हूँ, तो चलाने वो बाबा हीरो होंडा। नहीं जय का ट्रेन को छूट गया था। हाँ सुमित तू रेनकोट पहन ले, वो सही बोली।